हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कुर्ती में बैक नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। इसको लाइट कलर या डार्क कलर किसी में भी बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से अपने मेजरमेंट के हिसाब से कुर्ती को कट कर लेना है। बस नेक की कटिंग नहीं करनी है हमें, ये डीप नेक में बनेगा तो डीप नेक के हिसाब से शोल्डर आर्म होल हमें कट करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस अब इसमें क्या करना है, हमें इस तरह से डबल फोल्ड कैनवास ले लेना है। और देखिए, 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और इसका डीप मैं 8.5 पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से 8.5 पे मैं इसका निशान लगा के बॉक्स बना लूँगी। डीप इसका 8.5 है और इसका वेर्थ है 2.5 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच है। तो इस तरह से इसमें पंचकोनी हमें लाइन ड्रॉ करना। तो देखिए, 1/2 इंच बाहर के साइड निकाल के इस तरह से पंचकोनी शेप जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत सुंदर नेक बन के हमारा तैयार होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम कैनवास की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, 1 इंच का मार्जिन हो गया। और इस तरह अंदर की जब कटिंग करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से कट करके ऊपर हमें 1 या 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के यहाँ से कट करना होता है कैनवास छोड़ के। तो इस तरह से हमारा नेक एकदम प्रॉपर बना रहता है, जितना चौड़ाई है उतना ही रहेगा। तो इसको देखिए, स्क्वायर कपड़े पे इस तरह से इस नेक को अच्छे से हमें जमा लेना है, सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा के देखिए मैंने रेडी कर लिया है। इसमें भी सेंटर मार्क हमें लगाना है, करना है। तो ये देखिए, इस तरह से कपड़े को सीधा रखना है और जो कैनवास पट्टी है उसको उल्टा रखना है। और रख के इसको पिन से हमें अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ही लेना। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिन पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से जैसा है वैसे। तो ये सिलाई हमने लगा लिया, सिलाई लगा के मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये बहुत आसान तरीका है गला बनाने का, कैनवास लगाने का और नेक की कटिंग करने का। तो ये देखिए, इस तरह से हो गया। और कॉर्नर पे हमें कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉर्नर पे कट लगाने के बाद हमारा नेक बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब ये देखिए, इसके ऊपर से हम प्रेस सिलाई लगा लेते हैं। प्रेस सिलाई लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो कैनवास है बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर एक लाइक से ना हमें बहुत अच्छा लगता है, देख के एक एक करके लाइक बढ़ता है हमारा तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस पट्टी को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके सिलाई नहीं लगा रही उसमें, मैं डायरेक्ट इसमें क्या कर रही हूँ, पिन लगा ले रही हूँ। पिन लगाने के बाद देखिए, इस तरह से हमें ये न्यूज़पेपर लेना है। न्यूज़पेपर लेके इसके ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा नेक का डिजाइन ड्रॉ हो गया, जिस तरह से शेप है उसी तरह से। तो इस कागज़ को हम इस तरह से मार्जिन छोड़ के पहले कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, सब ओर से 1-1 इंच एक्स्ट्रा है। इस तरह से इसको छोटा बस कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था। अब हमें क्या करना है, इस तरह से पट्टी लेनी है 1.5 इंच की और इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए, 1.5 इंच की लंबी पट्टी हमने ले ली है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ, आप अगर भूल गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, 2.5 इंच की कटिंग कर लेंगे इस पट्टी को। तो 2.5 इंच की मैं बहुत सारी कट के इस तरह से देखिए रख ली हूँ। अब क्या करना है, इसको सेंटर में इस तरह से डबल धागा से इसको बांध देना है। बांध के अच्छे से ऐसे गांठ लगा लेना है। गांठ लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि खुले ना ये हमारा, लॉन्ग टाइम तक चले। तो ये देखिए, अच्छे से इसको लपेट के और इसमें गांठ लगाना बहुत ज़रूरी, 3-4 हम गांठ लगा लेंगे। तो देखिए, मैं कैसे कपड़े के बीच में ही रख के धागा को लपेट दे रही हूँ तो वो दिखेगा नहीं। ये देखिए, एक और दिखा रही हूँ, इस तरह से रख के और इसको अच्छे से गांठ लगा लेना है। तो ऐसे ही करके मैं पूरे को, जितना भी लूप है उसको मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से गांठ लगा के तैयार हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, सेंटर का मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद सेंटर से ही इसको इस तरह से सेंटर में रख के सिलाई लगा लेना है। मतलब जो हमने धागा से बांधा है वो हमारा सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरह से रख के मैं पूरे जो स्ट्रिप है उसको अटैच कर लूँगी इस पेपर पे। ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे गले बना सकते हैं पेपर पे लाइन ड्रॉ करके।
तो बहुत ही और बहुत सुंदर लगता है। आप आगे भी बना सकते हैं, फ्रंट में भी बना सकते हैं, बैक में भी बना सकते हैं, और इसको आप ब्लाउज पे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, सूट पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक आ गया। अब इसको इस साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, तो दोनों साइड से ये हमारा सिलाई हो जाएगा। अब यहाँ से फिर आधे से जो है उसको मैं रखना यहाँ से चालू करके सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, तो सिलाई इसको लगा के हम पहले रेडी कर लेंगे इसको। ये देखिए कितना आसान तरीका है गला बनाने का। तो ये देखिए ये हो गया। अब ऊपर के साइड में सिलाई लगा लेंगे इसको अच्छे से, मतलब सेट कर लेना है इसको। सेट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा हमारा जो पेपर है उसको ऊपर वाला जो उसको कटिंग कर लेंगे। नीचे के साइड में हमारा वैसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के साइड में अच्छे से इसको बराबर कर लेंगे। करने के बाद इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस पट्टी ले लेंगे, उरेब पट्टी, और उरेब पट्टी को देखिए इधर सीधे साइड से रख के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हो गई, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे, और कट करके इसको देखिए ऐसे डबल फोल्ड करना है। लेकिन उसके पहले ये जो सिलाई में हमारा जो पेपर आ रहा है उसको निकाल लेना है, नहीं तो उससे क्या होगा फिर बहुत मोटा हो जाएगा। तो ये देखिए इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग हम तैयार कर लेंगे। पाइपिंग बन जाएगा हमारा, इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इस तरह से बहुत सुंदर ये पाइपिंग बन जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूज़पेपर जो था उसको हमने निकाल दिया था, बस कपड़ा कपड़ा रह गया था, तो पतली सी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें जो हमने नेक तैयार किया है सूट का उसको इस तरह से रख के, और ये जो पिन हमने पहले से लगा रखा है उसको निकाल के उसी पिन को हम लगा लेंगे, या तो दूसरा पिन चाहिए तो दूसरा भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने पिन लगा लिया, अब ये सेट हो गया। अब क्या करना है, हमें सिलाई लगा, तो एक ही सिलाई में बहुत फिनिशिंग के साथ ये रेडी होगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको पहले सिलाई नहीं लगाया था, पिन से इसको सेट कर दिया था। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई हो जाएगा, थोड़ा सा आराम से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि पिन तो हमने लगाया ही है, हमारा कपड़ा हिलेगा डुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से, अब इस साइड आ जाएंगे। एक सिलाई हो गई, अब क्या करेंगे देखिए इसको इस तरह से जो भी पिन हमने लगाया है उसको निकाल लेंगे। तो पिन निकाल के पहले हटा देंगे, और हटाने के बाद अंदर के साइड से ये न्यूज़पेपर जो है इसको हम निकाल लेंगे। बड़े आसानी से ये निकल जाता है, जो भी हमारा थ्रेड वगैरह है उसकी हम कटिंग कर देंगे फिनिशिंग के साथ। अब देखिए इसके बाद एक पैर की एक और सिलाई लगा लेंगे, तो डबल सिलाई हो जाएगी, और ये जो नेक है नेक हमारा बन के रेडी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया, जब ये पहनेंगे बहुत सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।